हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के ही बारे में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कल से बिल्कुल ऑपोजिट होती हुई नज़र आई हैं, यानी कि कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपने मेरी वर्डिंग सुनी होगी। मैंने वहाँ पे डायरेक्टली आपको बोला था कि जिस अकॉर्डिंग तेजी बनी है हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का, RSI ओवर बॉट में जा चुका है, कभी भी करेक्शन आ सकता है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। साथ में एक स्टेटमेंट ऐड किया था कि फिर इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर जो है वो नीचे ही जाते चले जाएंगे, हेल्दी करेक्शन के बाद रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। सेम सिनेरियो यहाँ पे होते हुए नजर आया है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखो जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आज का जो मार्केट सिनेरियो रहा है, अब कल तो यहाँ पे अचीवमेंट होते हुए नज़र आया था कि 20,000 प्लस कर दिया था निफ्टी ने। आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एट पार जैसा सिनेरियो देखने को मिला। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 20,000 से नीचे ही क्लोज होते हुए नज़र आई है 7 पॉइंट से। वही सेंसेक्स 67,221 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में आज आपको ऐसे ही नॉर्मल एट पार जैसा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन मिड कैप में 3% की गिरावट। जब बढ़ता है तो ओवर बढ़ता है, जब गिरावट होती है तो इसमें ज़्यादा गिरावट होती है, इससे ज़्यादा स्मॉल कैप में देखने को मिलती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें IRFC में क्या सीन हुआ है, IRFC में आज के दिन की गिरावट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली है कि कल यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट था, 10% का अपर सर्किट देखने को मिला था। इवन और स्टॉक्स में तो 20-20% का सर्किट था। IRFC की लिमिट 10% की थी तो 10% का सर्किट लगा था, लेकिन आज अगर आप यहाँ पे देखो तो 2% का करेक्शन है। कोई बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, जिस वजह से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। डेटा जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो CNBC TV18 देखते होंगे तो यहाँ पे आप देखो तो बताया है कि RBNL, IRCON, IRFC, RailTel, IRCTC, इन सब में आपको आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि हाँ इस ये ऐसी खबर निकल के आ गई इस वजह से पूरा जो सेक्टर है वो ध्वस्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल और केवल प्योर प्रॉफिट बुकिंग है, हेल्दी मूवमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे थे और ओवर प्राइस की वजह से नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होते हुए नज़र आई। मैं तो इसको एक अच्छा मूवमेंट बोलूँगा, चाहे अगर आपको लग रहा है कि ये डाउन साइड को भी अच्छा मूवमेंट बोल रहा है, लेकिन हाँ ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा सही सीन बनता है। आज अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही भयंकर आया, फिर से 46 CR का। अब आप यहां पे देखो कि वॉल्यूम 46 करोड़ का है, हुई है गिरावट। अमूमन क्या होता है कि जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो बिकवाली की वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता, लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ हुआ है उल्टा, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हुई है सेलिंग और सेलिंग की वजह से हुई है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये है सीन यहाँ पे अभी तक का। अब मैं आपको आगे लेके चलूँ तो देखो क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि IRFC, IRCON, RBNL और अदर रेलवे स्टॉक्स जो हैं 8-8% तक की गिरावट भी दिखाई है, किसी में 10-10% की भी गिरावट है। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि थोड़ा अब आपको संभल के चलना है। मैं भी आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आप ही जैसा हूँ तो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो बल्क बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एकदम से लिया के 50 लाख 60 लाख ऐसे लगा दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही धीरे धीरे करके एवरेजिंग के हिसाब से चलना है। आप यहाँ पर पढ़ पाओगे कि भारतीय रेलवे सेक्टर में शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी सरकार का जो फोकस है उस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। हालांकि इस सेक्टर को हाल ही में सबसे ज़्यादा बल तब मिला जब G20 समिट में एक ऐलान किया गया कि भारत, अमेरिका और सऊदी अरेबिया एक साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाएंगे और उस कॉरिडोर को बेसिकली हम जो ट्रेड वगैरह के लिए है वो यूज़ करेंगे। और जब ये यहाँ पे खबर निकल के आई तो एक बहुत बड़ी रैली बन गई इन सारे के सारे स्टॉक्स में। चाहे आप देखो कि IRFC का शेयर 9% लुढ़क कर 77 रुपये के आसपास आ गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी चीज़ें हुई,
अब गिरावट के पीछे के रीजंस में भी अगर हम बात करें तो आज के दिन के कारोबार के दौरान टेक्समा को रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर में 7%, रेलटेल में 6%, इरकॉन में 4, तो यहाँ पे इन सब में गिरावट है। बाकी जो बेसिक रीज़न इस रिपोर्ट में ही बताया गया है वो बताया गया है कि भाई यहाँ पे केवल और केवल मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। सीधा सीधा पढ़ पाओगे कि मुनाफा वसूली की वजह से रेलवे स्टॉक की तेज़ी पर लगा ब्रेक और ये जो शेयर्स हैं इनमें गिरावट होती हुई नज़र आई है। अब ये तो आप समझ गए कि आखिर क्या हुआ है, आगे की चीज़ें मैं आपको अब समझाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखो कि RVNL में क्या हुआ है कि RVNL में 10% की गिरावट है, कल ये भागा भी 17-18% था, सेट ऑफ भी करोगे तो भी अभी तक आपको 7-8% दो दिन में मिल रहे हैं, अच्छे रिटर्न हैं और 190 से ऊपर का गया था लेकिन आज में 170 पे आ गया। अब जिन भी लोगों को थोड़ी बहुत बाइंग करनी थी तो वो इस लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, जब और गिरावट हो तो वहाँ पे और क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के दिन का करेक्शन आया तो जितना पैसा था वो आज के दिन ही लगा दिया, कल और गिरावट हो गई तो फिर बैठोगे कि अब तो यहाँ पे मैंने तो पूरा पैसा लगा दिया, अब तो यहाँ पे पैसा लगाने के लिए है ही नहीं। तो बल्क में कुछ भी नहीं करना, ना तो बाइंग ना सेलिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो आनंद टंडन है जो कि मार्केट एक्सपर्ट है CNBC TV18 के, इन्होंने बोला है कि इस स्टेज पर मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आप इसमें बाइंग करते चले जाओ, ठीक है, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवर एक्सपेंसिव वगैरह का सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, यानी कि एक टाइम पे पूरा पैसा नहीं लगाना है, साथ के साथ अगर आपको लगता है कि आपने एक माइंड में 10% 12% 15% या आपने 20-30% 40% के ऐसे रिटर्न्स का टारगेट बनाया था एक कंपनी से, वो अगर अचीव हुआ है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ऐसा इनका भी मानना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी पाओगे कि कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं और बाकी आगे क्या हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात बस यही है कि अगर आप रेलवे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बनने हो, यानी कि आपने यहाँ से विज़न सोच लिया कि मैंने 5 साल के लिए 10 साल के लिए पैसा लगा दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो फिर तो आपको ये डेली की अप्स एंड डाउन साइड नहीं देखनी है। लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसे लगाया कि मुझे 6 महीने में 9 महीने में 10 महीने में 1 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए अच्छे रिटर्न्स के साथ, तो फिर आपको डेली यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मेरे टारगेट जो है वो अचीव हो गए तो साथ के साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी। यही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल सकते हो, अदरवाइज कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।